मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ, कूल रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज अपने जो वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेज की, जी हाँ, जो कि हमारा फर्स्ट वीक होता है जब हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि हमारी जो हम पॉजिटिव हैं और प्रेग्नेंट हैं। तो उस पहले वीक में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, उस ड्यूरेशन में आपके फर्स्ट सेकंड वीक में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्टर से कब मिलना है, क्या आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनानी है अपने आने वाले जो 9 मंथ हैं उसके लिए, ये हम अपने पहले मंथ में ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी फर्स्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको कंफर्म हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, आपने ये कंफर्म कर लिया, आपने टेस्ट किट डिफरेंट टेस्ट किट से इस चीज़ को कंफर्म कर लिया, यू मेक श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भर लेना है, खुशनुमा माहौल में रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर स्टार्टिंग से लास्ट वन तक नहीं आने देनी है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो कि फर्स्ट वीक में हमारे बॉडी के अंदर होने लगते हैं। तो अगर कुछ डिफरेंट चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं तो आप उस चीज़ के लिए वरिड नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करनी है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ लेकिन इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो आपको आइडिया नहीं होता है और आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि फर्स्ट वीक में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि आपको फर्स्ट वीक में ही महसूस होंगी। ठीक है, दूसरा, आपको ये भी बताने वाली हूँ कि फर्स्ट वीक से लेकर आपको अपने मींस आने वाले टाइम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है अपने फर्स्ट वीक में, तो क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको लगेगा कि आप कंसीव हैं तो कुछ हमारी बॉडी हमें साइंस देती है जो कि हमें बताती है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। सबसे पहले जैसे ही एग फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म के साथ, तो वो क्या करता है, माँ के यानी एक प्रेग्नेंट लेडी के गर्भाशय में अपने आप को भेदता है, मीन्स प्रत्यारोपण करता है, वहाँ पर स्टेबल होता है, जिससे कि वो पूरी 9 जहाँ पर कि वो चिपक कर पूरी 9 मंथ की जर्नी को कवर करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब फर्टिलाइज एग आपके गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपण होता है तो उस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है। तो आपको फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इस तरीके से दर्द महसूस हो तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, जो एग है वो आपके गर्भाशय की दीवार पर अपने आप को प्रत्यारोपण करता है। दूसरा, आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, हल्की छींटें आ सकती हैं, स्पॉटिंग हो सकती है, तो अगर थोड़ा बहुत है ये तो ये एक नॉर्मल है क्योंकि उस ड्यूरेशन में ये चीज़ होती है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगती है और बहुत पेनफुल आपको मीन्स आपको पेन हो रहा है और रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर का जो ब्लड निकल रहा है आपके बॉडी से, तो ये रिस्की है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। और क्या आपको देखने को मिल सकता है अपने फर्स्ट बॉडी में, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी उस टाइम में, आपको ऐसा लगेगा कि आप खाना खाने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, मीन्स आप खाना खाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस ड्यूरेशन में। ठीक है, मुंह का टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा, मीन्स आप कुछ भी खाओगे तो उसका टेस्ट आपको नहीं महसूस होगा, हल्का सा आपको ड्राइनेस आपके माउथ में हो सकता है, मीन्स आपका सूखा सूखा सा लगेगा, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा, कुछ भी खाओगे उसका टेस्ट नहीं आएगा, खट्टा खट्टा या बहुत कड़वा जैसे स्वाद आपको खाना खाने के बाद महसूस होगा, कुछ भी चीज़ अगर आप खाते हो फोर्सली तो उसका आपको टेस्ट या तो खट्टा या फिर बिटर आपको लगेगा। ठीक है, भूख आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत मुझे थकान हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ हमारी प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो आपको थकान महसूस हो सकती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैं बहुत थकी थकी से महसूस कर रही हूँ, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मुझको भूख नहीं लग रही है, तो ये आपके सिम्टम्स हैं। आपको प्योर मीन्स आपको 100% ये श्योरिटी देने की कि हाँ, अब आप जो आपने टेस्ट किट से कंफर्म किया था वो आपकी बॉडी आपको कंफर्मेशन दे देगी कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में HCG हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, बार बार उल्टी होने का मन करता है। मीन्स हमें सूखी उल्टी भी आ सकती है, या फिर आप जो भी खाओगे वो आप इमिडिएटली स्पिट कर दोगे, आपको वो उल्टी के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी वाले दस्त हो जाएँ, आप बार बार फ्रिक्वेंटली आप पॉटी के लिए जाएं और आपको एकदम वाटरी पॉटी आ सकती है, तो ये भी आपको हो सकता है। इसके साथ ही आप महसूस करोगे जो आपके ब्रेस्ट में जो निप्पल होते हैं वहाँ आपको झंझनाहट सी और इचिंग, या फिर हल्का सा आप अगर आपको वो टच भी हो जाएंगी तो वो वहाँ पर आपको पेन करेंगे, तो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ आपका स्टार्टिंग वीक है आपके प्रेगनेंसी का, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो ये सारे आपको जो सिम्टम्स हैं फर्स्ट वीक से ही महसूस होने लग जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप कंफर्म हो चुके हो कि यस यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको किसी भी टाइप की मेडिसिन नहीं लेनी है। लाइक आप कोई भी मेडिसिन, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपको बिल्कुल रोक देनी है, या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप सोच रहे हो मुझे उल्टी आ रही है, या मुझे वाटरी पॉटी हो रही है, या मुझे भूख नहीं लग रही है, तो कोई भी मेडिसिन आप खाना स्टार्ट ना कर दें। लाइक वो सीरप हो या टैबलेट हो, कुछ भी आपको नहीं लेनी, तुरंत वो स्टॉप कर देनी है, ठीक है। एक तो आपको ये नहीं करना, दूसरा कोई भी गरम गरम खाना नहीं खाना जिसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आपने सुना होगा कि किसी किसी लेडी का फर्स्ट या सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में ही उनकी जो प्रेगनेंसी स्पॉइल हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि वो अपनी बॉडी के सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि उनको गर्म तासीर वाला खाना नहीं खाना। जैसे फ्रूट्स में उन्होंने अनानास ले लिया, या पपीता ले लिया, या अंगूर खा लिए, या कोई भी गर्म तासीर वाला खाना खा लिया, तो वो आपकी प्रेगनेंसी को स्पॉइल कर सकता है। तो कोई भी खाना आप खा रहे हो तो उसे सोच समझ कर खाएँ, स्टार्टिंग में गर्म तासीर वाले खाना नहीं खाए जाते, क्योंकि वो बहुत आपका जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस टाइम, तो बहुत सावधानी से इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है, और क्या क्या बॉडी साइंस देती है आपको, मींस आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप 100% कंफर्म हो चुके हो कि यस यू आर प्रेग्नेंट, देन आपको ये डिसाइड करना है कि अब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, जब इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर होने लग जाएँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, या फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर के लिए हमें मेडिसिन, फूड, इन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइन हमारे डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, चेकअप होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। तो आई होप माय डियर मॉमीज, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि जो जिनके यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो वो बेचारी गलती कर देती हैं और उनको नहीं पता रहता कि उसका खामियाजा उसके उनके जो पल रहे गर्भ में बच्चे को उठाना पड़ सकता है। तो ये उनके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली, आई होप सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो माय डियर मॉमीज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।